ओम शांति। जब सीता जी खो गई थी तभी राम जी की सहायता स्वयं सुग्रीव कर रहे थे, हर वानरों को समझा रहे थे उस दिशा में जाना, उस दिशा में जाना, वहाँ ये होगा, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत सारा ज्ञान, जैसे कि उन्हें हर दिशाओं का ज्ञान था क्योंकि उन्होंने वानरों को हर दिशाओं में जाने का आदेश दे दिया था। सुग्रीव जब ये पूरी भौगोलिक स्थिति समझा रहे थे कहाँ क्या क्या, तब राम जी के मन में एक प्रश्न आया। राम जी ने पूछा, सुग्रीव तुम्हें कहाँ से इतना ज्ञान है, तो उस स्थान पे ये है, तुम्हें इतनी पृथ्वी का एक एक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु दरअसल बात यह है कि जब मैं बाली के डर से मारा मारा फिर रहा था, पूरी पृथ्वी में शरण मांग रहा था, मुझे कहीं शरण ना मिली, मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और उसी वजह से मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान हो गया। राम जी समझ गए इस बात को और मुस्कराने लगे। अब आप थोड़ा समझिए, एक तरफ जब कोई घटनाएं आती हैं तो माइनस पॉइंट भी होता है पर प्लस भी होता है। यदि वो बाली के डर से मारा मारा फिर रहा था तो एक नई चीज़ सीख गया, सारी पृथ्वी का उसे ज्ञान हो गया, और यदि इन सब दिशाओं में कहाँ क्या है ये ज्ञान ना होता तो सीता माता को खोज पाना थोड़ा तो मुश्किल होता ही होता। समझ में आ रहा होगा ना आपको, मतलब जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है। कहते हैं अनुकूलता यदि भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन है। जी हाँ, प्रतिकूलता विटामिन है, तो हम सदा इस बात का याद रखें, ध्यान रखें कि यदि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ खास, कुछ स्पेशल हम सीखते जा रहे हैं। यदि आप ईश्वर के बनाए सभी पुष्पों से प्रेम करते हैं तो कांटों से भी प्रेम कीजिए, क्योंकि पुष्प तो सुगंध देता ही देता है, मन को शांति देता है, पर कांटा भी काम ज़रूर आता है। कब? कांटा निकालने के। एक कांटे को दूसरे कांटे से आसानी से निकाला जा सकता है, तो कभी कभी वो कष्ट, वो कांटे भी हमारे लिए सुखदायी बन जाते हैं। तो आइए हम हर परिस्थिति में खुश रहें और विपरीत परिस्थितियों में मुस्कराना सीखें, यही जीवन का सार है। ओम शांति।